झारखंड की राजधानी में बड़े शहरों की सी चहल पहल भले ही हो, यहाँ के जीवन में स्थानीय संस्कृति, सुरुचि संपन्नता और अपनी सांस्कृतिक सामाजिक पहचान के प्रति सजगता दिखाई देती है। सड़कों, चौराहों और सरकारी इमारतों को अगर गौर से देखें तो इनमें पारंपरिक कला, साज सज्जा और गौरवशाली प्रतीकों की छवियां अपना असर छोड़े बगैर नहीं रहेंगी। वैसे तो रांची में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण संस्थान और भवन हैं जिनसे राजधानी की पहचान बनती है, लेकिन आदिवासियों के जीवन, रहन सहन और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाता जनजातीय संग्रहालय अपनी विशेष पहचान रखता है। राज्यसभा टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और इस वक्त हम हैं रांची में, जो कि झारखंड राज्य की राजधानी है। और यहां रांची में जो ट्राइबल म्यूज़ियम है, हम वहां आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि यहां जो आदिवासी और जनजातीय जीवन है उसको किस तरह से यहां संजोया गया है। आने वाले छात्रों के लिए और शोधार्थियों के लिए यहाँ किस किस तरह की सुविधाएं और किस तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है, और बातें करेंगे यहाँ के म्यूज़ियम के क्यूरेटर से और डायरेक्टर से और उससे जुड़े हुए लोगों से कि म्यूज़ियम का क्या महत्व है और कैसे वो ट्राइबल जीवन को हमारे सामने लाता है। झारखंड के जीवन में कई रंग हैं और हर रंग की अपनी अलग कहानी है। इन रंगों को कौन भरता है ये देखना हो तो प्रकृति की गोद में बसे झारखंड के जनजातीय संग्रहालय में आइए। यहाँ झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। यहाँ से प्रकाशित पुस्तकों में अलग अलग जनजातियों की भाषाओं और बोलियों में रचे बसे किस्से, कहानियां, मुहावरे और मान्यताएं पढ़ने को मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर और कल्पनाशील प्रदर्शनी में आदिवासियों के रहन सहन को दर्शाती कई झांकियां आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। यहां आदिवासी संस्कृति की एक जीवंत झलक दिख जाएगी। कई बार इस म्यूज़ियम में आई हूँ तो शायद ये हुआ है कि अपने पढ़ाई के दौरान थोड़ा पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है, तो इस तरह से ऐसा हुआ है कि हर बार देखने का नज़रिया भी बदला है। जब पहली बार देखा था तो लगा था कि एक लिस्ट है जिसमें सारे जो यहाँ के मेजर ट्राइब्स हैं उनको कैप्चर किया गया है। फिर कई बार आई और जब रिसेंट विज़िट किया, अभी तो काफ़ी रेनोवेशन भी हुआ है जिससे और सुंदर हो गया म्यूज़ियम, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत स्टार्किंगली दिखती हैं। जिस तरह से हर ट्राइब के अलग अलग फीचर्स को भी कैप्चर करने की कोशिश की गई है, जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनमें, फिर हर ट्राइब का जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें उभार करके लाया गया है, दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि स्कूल के बच्चों को या ग्रेजुएशन के बच्चों को भी यहाँ के ट्रिप्स कराने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि हम एक कहना और एक मॉडल के रूप में आँखों के सामने देखने से वो स्मृति काफ़ी अच्छे से रह जाती है दिमाग में कि एग्जैक्टली ट्राइब्स को हम कैसे जोड़ते हैं, किस तरह के प्रोफेशंस के साथ जोड़ सकते हैं। इस जनजातीय संग्रहालय में झारखंड की आदिवासी संस्कृति की विविधता मौजूद है।
प्रकृति के साथ हंसते गाते सोते जागते झारखंडी जीवन की सुंदर सी झलक आपको इस संग्रहालय में दिख जाएगी। झारखंडी समाज का इतिहास, संस्कृति, आस्था और विश्वास देखकर आदिवासी जीवन की विशेषताओं का पता चलता है। जनजातीय संस्कृति की विशिष्टताओं को ध्यान में रख के जो लंबे समय से एक आंदोलन चल रहा था, अगर कहें तो आज़ादी के पहले से वो आंदोलन चल रहा था, तो वो संस्कृति, वो उसकी पहचान, एक खास जो एक खुशबू है, वो खुशबू बनी रहे, उसकी जीवन शैली, उसके दर्शन, दुनिया को देखने का उनका नज़रिया, वो अपना अपनी खासियत के साथ बनी रहे, वो उसके पीछे अविकल्पना थी। और जो ये जनजातीय खूबसूरती है, जो विशेषताएं हैं, जो उनका उनका अपना दर्शन है, जीवन दर्शन है, उनकी अपनी कला के अपने आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, उनका अपना इतिहास है, तो उनका शोध करना, उनका अध्ययन करना, जो योजनाएं चल रही हैं उनके बीच में, उनका मूल्यांकन करना, ये तीन महत्वपूर्ण इस संस्थान के कार्य क्षेत्र हैं। रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के इस संग्रहालय में झारखंड के 32 आदिवासी समुदायों के पारिवारिक जीवन की मानवीय स्थितियां प्रामाणिक ढंग से प्रदर्शित हैं। मानव के विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाते पैनल इसमें अलग आयाम जोड़ते हैं। इनमें मानव विज्ञानियों और समाजशास्त्र के अध्येताओं के लिए विभिन्न जनजातीय समुदायों का सर्वेक्षण उच्च अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी है। इस संग्रहालय की प्रदर्शनी को साकार रूप देने में अमिताभ मुखर्जी की बड़ी अहम भूमिका है। पेशे से मूर्तिकार अमिताभ मुखर्जी पिछले 30 वर्षों से कलाकर्म में संलग्न हैं। उनके बनाए विशाल म्यूरल्स और स्टैच्यूज बिहार और झारखंड सहित देश के विभिन्न भागों में दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। म्यूजियम में हम एंटर करते हैं, शुरू में जो दरवाज़ा है वो देखेंगे आप, एकदम पुराने लकड़ी से बना हुआ, कटहल के लकड़ियों से यहाँ दरवाजे बनते थे, जिन दरवाज़ों के बारे में कहा यह जाता है कि कुल्हाड़ी मार के भी काटा नहीं जा सकता अगर पका हुआ कटहल का दरवाज़ा है। तो हमने वहाँ पे जो दरवाज़ा पुराना उसको रिप्लेस करके कटहल का दरवाज़ा लगवा दिया, और उसकी जो टेक्स्चर है वो काफ़ी पुराने तरीके के हैं, वो आप पहला मार्क करेंगे घुसते के साथ। फिर जब आप अंदर घुसेंगे तो ये पूरा म्यूज़ियम एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग एट ए ग्लांस कहते हैं। तो एट ए ग्लांस एम्बियंस जो आपके ब्रेन पे प्रेशर डालेगा वो ये है कि हाँ, एक ट्राइबल एनवायरनमेंट में आ गए, सडनली एक कंक्रीट बिल्डिंग के अंदर में एक ट्राइबल एनवायरनमेंट। तो ट्राइबल एनवायरनमेंट में एक चीज़ हम लोग ध्यान रखें कि जितने भी ट्राइबल्स हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे ही अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे पेड़ के लकड़ियों से खाना बनाते हैं, पेड़ के टहलियों से पिलर बनाते हैं, उनका छत बनाते हैं, मिट्टी से कपड़ा बनाते हैं, छत बनाते हैं, सारे मटेरियल्स ऑर्गेनिक हैं। ये सारे मैंने अगर कहा जाए ढंग से तो इको फ्रेंडली मटेरियल्स सही में ही लोग यूज़ करते हैं। तो वो मटेरियल्स को हमने, चूँकि इमिटेशन था, ये ओरिजिनल मिट्टी का तो हो नहीं सकता, मिट्टी का दीवार का एक प्रारूप हमने वहाँ पर पैदा किया, तो आपको एक पूरा वो एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल फीलिंग ला देगा। जनजातीय संग्रहालय में लगे 32 डायोरामाज में प्रॉप्स और इंटीरियर्स का सारा काम अमिताभ मुखर्जी की संकल्पना का परिणाम है। उनके कुशल निर्देशन में ग्लास फाइबर की लगभग 250 मूर्तियां बड़े ही मनोयोग से बनाई गई हैं। हर आदमी के
जो फीचर्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्सप्रेशंस को भी हम लोगों ने काफ़ी ध्यान रखते हुए बनाया। इसके बाद टाइम, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी ड्रामे में आपको शाम लगेगा, किसी ड्रामे में दोपहर लगेगा, किसी ड्रामे में ऐसा। ये जो समय की जो बातें हैं, ये कलर और उसके लाइट के एम्बियंस के ऊपर में वो क्रिएट करने की कोशिश की गई। हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। हाइट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत से काम जैसे लोग करते हैं उसके हिसाब से इनकी हाइट भी ग्रो करती है। या हमारे भारत की अगर संरचना देखें तो पहाड़ पे जो लोग चढ़ते हैं उनकी हाइट कम होती है, क्योंकि उनको वो ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि आपको हाइट कम होगा तो ही चढ़ने में सुविधा होगी। तो आस्ते आस्ते वो एवोल्यूशन के तौर पे वो वैसा हो जाता है। तो हमारे यहाँ भी पहाड़ें बहुत हैं, बहुत से जैसे मान लीजिए बिरहोर है वो पहाड़ पे ही रहता है तो उनका हाइट ज़्यादा नहीं है। और एक कोड़ा है वहाँ पे हमारे पास, तो वो मिट्टी काटता है तो वो काफ़ी बलिष्ठ होता है क्योंकि सारा दिन उसको मिट्टी काटना है। और तो उनकी हाइट जो है कम है लेकिन बहुत स्टाउट है। मुंडा ट्राइब जो है वो थोड़ा सा किंगली बिहेवियर करता है शुरू से भी अभी भी। तो इनके जो ये हैं फीचर्स हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, अच्छा हाइट है उनका और बड़ा छरहरा बदन है। कलर भी जो है थोड़ा सा, चूँकि अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनका वो कलर भी है थोड़ा सा, वो ज़्यादा लेबोरियस नहीं है, वो वार मतलब करने वाले ट्राइब माने जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो उसमें यूज़ करने की कोशिश की गई है। संग्रहालय में आदिवासियों के जीवन से जुड़ी पोशाकें, आभूषण, कामकाज के उपकरण भी प्रदर्शित हैं जिन्हें आदिवासी लोग दैनंदिन या विशेष अवसरों पर धारण करते हैं। इस संग्रहालय में वाद्य यंत्रों से लेकर कृषि के पुराने औजार, तीर धनुष, भाला, मछली, चिड़िया और बंदर पकड़ने का जाल से लेकर कई ऐसी चीजों को स्थान दिया गया है जिससे आदिवासी जीवन की सभ्यता और संस्कृति का परिचय मिलता है। हमारे यहाँ के ट्राइब्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि कुत्ता को इन्होंने अपने घर के मेंबर की तरह रखा हुआ है। आज के दिन में भी जिस परिवार में भी देखेंगे दो कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते कोई गार्ड डॉग नहीं है, वो उनके लाइफ का एक पार्ट है। अगर हम लोग आदिवासी की मूर्ति जो बनाई गई है रामकिंकर बेज के द्वारा शांतिनिकेतन में, उसमें भी आप देखेंगे कि वो सब लोग हाथ से लौट रहे हैं लेकिन साथ में कुत्ता है। तो उस चीज़ को मैंने मार्क किया कि हाँ, सब घरों में ही कुत्ता होता है। तो कुत्ता इनके लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हम लोगों ने कुत्ता वहाँ डाला, कहीं कहीं कुत्ते नहीं भी हैं। और ये कुत्ते जो है हमने बनाए हैं वो हमारे टिपिकल देसी कुत्ता जिसको कहते हैं वो है। तो आप वहाँ फील करेंगे जा करके कि लगेगा कि हाँ, ये कुत्ता जो है रियल है। जनजातियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के नमूने भी संग्रहालय में उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त जनजातीय जीवन और संस्कृति से संबंधित अनेक छायाचित्र भी हैं। इस संग्रहालय में कुछ लुप्त होती जनजातियों की मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। इनमें असुर जनजाति कच्चा लोहा गलाते हुए, बिरहोर जनजाति जाल बुनते हुए, सौरिया पहाड़िया कुर्दा खेती करते हुए मिल जाएंगे जो झारखंड के जनजातीय जीवन का दस्तावेज हैं।
जनजातीय लोग नहीं जानते हैं कि झारखंड में कितनी प्रकार की जनजातियां निवास करती है। तो हम लोग यहाँ से स्कूल में, कॉलेज में और उनके उच्चस्थ पदाधिकारियों को लेटर भी दिया था कि आप अपने अधीनस्थ जो विद्यालय हैं उनके छात्रों को लाइए, और ये बहुत ही शिक्षाप्रद है, और इसमें 32 जनजातियों के विषय में अलग अलग डायरोमा के द्वारा उनके रहन सहन, उनकी जनसंख्या, उनका पेशा जो है ये दर्शाया गया है, और 4 आदि मानव का भी डायरोमा बनाया गया है, जिसमें अग्नि का आविष्कार, चक्के का आविष्कार, डोंगी का आविष्कार, नाव का, ये सब दिखाया गया है। देश विदेश से लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, विशेषकर यहाँ छात्र समुदाय के लोग ज़्यादा आते हैं, इसलिए कि मेरा संग्रहालय जो है यह बौद्धिक विकास के लिए। इस संग्रहालय द्वारा जनजातीय जीवन शैली को संकलित करने का अनूठा प्रयास किया गया है, जिससे जनजातियों की वर्तमान स्थिति का पता चलता है और सरकार को योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। संग्रहालय के शोध और अध्ययनों का लाभ उन विद्यार्थियों और शोधार्थियों को भी होता है जो जनजातीय जीवन पर काम करते हैं। हर ट्राइब की एक खासियत होती है जो जिस तरह के लाइवलीहुड में वो इन्वॉल्व है, इसलिए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो पैरेलली आपके राइट साइड पे दीवारों पे बहुत सारे बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो उनमें ये डांस और बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स का जो एक्चुअल रियल पिक्चर्स है उसको कैप्चर किया गया है काफ़ी हद तक। बट ऑफकोर्स और इसको बेहतर किया जा सकता है, बहुत कुछ और इसमें इंक्लूड करने का स्कोप है। जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं उसको थोड़ा और इलैबोरेटली डिस्क्राइब करना, कौन से एरिया से आए हैं, इस तरह के कुछ और चीज़ें यहाँ पर की जाने की उम्मीद की जा सकती है शायद। संग्रहालय में जनजातीय जीवन को दर्शाती कई पुरानी तस्वीरें लगाई गई हैं। यहाँ एक व्याख्यान कक्ष भी है जिसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन, व्याख्यान, सेमिनार वगैरह होते हैं। विश्व आदिवासी दिवस और अन्य खास अवसरों पर विशेष आयोजन होते हैं। कुछ परियोजनाएं हम लोगों ने लाई हैं, इस बार भारत सरकार ने स्वीकृत की है कि जो इनकी मूल गीत हैं, मूल वाद्य यंत्र हैं, उनके जो संगीत हैं उनको हम रिकॉर्ड करें, उनका दस्तावेजीकरण हर तरह से करें, ऑडियो विजुअल भी और बुक्स फॉर्म में भी। बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जैसे हमारे हाथ मोबाइल और मोटरसाइकिल और हमारे बच्चे शहर में और वो वहाँ का संगीत, सिंथेटिक जो संगीत बड़ा आसान है उसका जोड़ना, तो वो मूल जो प्रकृति की हवा की तरह या बारिश की तरह या फिर धान के पेड़ों की तरह झुकना और खड़ा होना, वो नृत्य का जो भाव था एकदम तारतम्यता के स्थापित करते हुए, चीज़ें थोड़ी सी वो प्रदूषित तो हो रही हैं, इसमें दो मत नहीं है। संस्थान वो चाह रहा है या उस ढंग की योजनाएँ हैं उसकी, भारत सरकार ने स्वीकृति भी की है कि हम उसको उसका दस्तावेजीकरण करें ताकि वो मूल रूप में संरक्षित हो। झारखंड के रांची स्थित इस जनजातीय संग्रहालय में स्थानीय नायकों के जन्म, उनके प्रारंभिक जीवन, उनकी शिक्षा, संघर्ष, गिरफ्तारी और जेल से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने समाज निर्माताओं के संघर्षों को जानने और समझने में मदद मिल सके। अपने नायकों से प्रेरणा लेकर न सिर्फ झारखंड का समाज बल्कि शेष भारत भी अपने इतिहास और उसके विविध रंगों से परिचित होता है, उनसे अनुभव समृद्ध होता है, और यही एक जीवंत और निरंतर आगे बढ़ते समाज का परिचायक है।